हेलो फ्रेंड्स, माय सिंपल लाइफस्टाइल में आपको वेलकम करके मैं आज के दिन की शुरुआत कर रही हूँ। आज है इस चैनल पे मेरी फर्स्ट डे। तो आज रक्षाबंधन के दिन है, तो आज बहुत स्पेशल है, स्पेशली भाई और बहन के लिए। तो वर्ल्ड की सब भाई और बहन के लिए मेरी तरफ से बहुत सारे शुभकामनाएं है और बहुत सारा प्यार है हर बहन के लिए। आज ना बहुत ही खुशी का दिन है, तो शायद मेरे लिए थोड़ा कम है क्योंकि मैं अपने भाई को राखी नहीं बांध पा रही हूँ। इसलिए तो क्या कर सकते हो, लॉकडाउन है तो मैं भी नहीं जा पाई भाई के पास और भाई भी मेरे पास नहीं आ पाई, तो मैं थोड़ा अपसेट हुआ आज। चलिए कोई बात नहीं है, साल के कोई भी दिन है भाई बहन के लिए रक्षाबंधन हो जाएगा। भाई बहन एक साथ हो तो रक्षाबंधन कोई भी दिन हो जाएगा, लेकिन हमारे घर में आज रक्षाबंधन मनाने के लिए और भी बहन है। वो है मेरी बेटी। मेरी बेटी की भी एक भाई है, वो है मेरी ब्रदर इन लॉ की बेटे है। वो हर साल उसे राखी बांधती है और उसकी दादा को भी राखी बांधती है। दादा मतलब मेरी फादर इन लॉ, तो उन्हें भी मेरी बेटी ने राखी बांधती है। मैं सोच रही थी कि घर में ही मैं राखी बना लेती हूँ बहुत इजी प्रोसेस से, तो आप लोग देखते रहो। तो पहले देख लो मैं राखी बनाने के लिए क्या क्या लिया है। तो ये देखो मैं यहाँ पर 4 बॉल्स लिया है और इस पे राइस लिया है। देखो ये सब राइस है, तो ये है प्लेन राइस और ये है मैं हल्दी पाउडर मिक्स करके इसे येलो कलर दिया है और इससे मैं कुमकुम मिक्स करके इसे रेड कलर किया है और इससे उजाला मिक्स करके जो कपड़ों में देते हैं ना उजाला मिक्स करके मैं इसे ब्लू कलर किया है। तो इससे मैं आज राखी बनाऊंगी, तो आप लोग देखते रहिए। और लिया है धागे, मेरे पास जो भी धागे थे वो से मैं बना लूँगी। ये रेड कलर के धागे थे मेरे पास, तो इससे मैं बना लूँगी। और लिया है, आप हंसो मत, ये लिया है मैं मेरी बेटी की कॉम्प्लेन की पैकेट है ये, तो ये खाली पैकेट है तो इससे मैं यूज़ करूँगी। तो पहले मैं इस पैकेट को काट कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैं एक छोटे से ग्लास लिए है और ये ग्लास को मैं यहाँ बैठा कर पेंसिल से मार्क कर दूंगी। फिर मैं इसे काट लूंगी। तो ये देखिए, तो ऐसे मैं और 2-3 बना लूँगी। तो ये देखिए मैं 3-4 पीस काट लिया और एक यहाँ पर ले लिया। फिर यहाँ पर मैं फेविकोल लगा देती हूँ, ऐसे करके साइड में मैं फेविकोल लगा रही हूँ। फिर यहाँ पर राइस ले लिया मैंने ब्लू कलर की, तो एक एक राइस मैंने यहाँ फेविकोल के ऊपर ऐसे रख देती हूँ। तो ये सुखाने के बाद एकदम टाइट हो जाएगा। मेरी राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई। देखिए मेरी ब्लू कलर पूरी तरह से लगाना हो गया है। इसके बाद मैं इस पे लगाऊंगी नॉर्मल राइस, व्हाइट कलर की नॉर्मल राइस लगाऊंगी। पहले इस तरह से मैं फेविकोल लगा लेती हूँ।
तो ये देखिए मैंने व्हाइट कलर ब्रश भी लगा लिया। इसके बाद मैं लगाऊंगी रेड कलर। ये देखिए मैंने रेड कलर भी ले लिया। इसके बाद मैंने सब कलर को एक एक करके एक के बाद एक सब कलर लगा लूंगी। ये देखिए मैंने सारे कलर के राइस लगा लिए हैं। इसके बाद मैंने और एक पेपर ले लिए और इसे ऐसे रखकर इस पे मैं फेविकोल लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने ये धागे ले लिए, तो धागे को ऐसे बीच में रखकर फिर भी फेविकोल लगाना चाहिए। तो इसे बस ऐसे ही सेट कर देना है और ये सूखने के बाद पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए 30 मिनट के बाद ये एकदम सूख गया है और इस टाइम पे मैं ऑलरेडी और एक राखी बना चुकी हूँ। देखिए दो दो राखी है। कैसे लगी है मेरी राखी कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिएगा। अब मैं और एक राखी बनाऊंगी। देखो मैंने ये धागे ले लिए हैं, ये तो सबके घर में अवेलेबल होती है। तो इसी धागे से मैं एकदम सिंपल सी एक राखी बना लूँगी। तो पहले मैं एक धागे को ऐसे लेकर ऐसे हाथ में राउंड करके तो ये देखिए मैं इसे इतना मोटा करके ले लिया है। इसके बाद ये धागे काट कर दूंगी दूसरी धागे से। इसे यह बीच पे बांध दूंगी, इसे यह से काट कर दूंगी यह से भी। फिर दोनों साइड से इसे एक समान से काट कर दूंगी। तो ये देखिए मैंने इसे ऐसे बना लिए। फिर इस धागे को लेकर सेम प्रोसेस से पहले से थोड़ा छोटा और एक बना लिया। इसके बाद मैं इन दोनों को एक साथ जुड़ दूंगी धागे से। इसके बाद देखो मैं इसके पीछे एक छोटी सी पेपर लगाकर फेविकोल की मदद से बीच में धागे देकर फिर से ऊपर से और एक पेपर देकर मैं इसे सेट कर लिया। देखो कितना सुंदर और एक राखी बन गई है मेरी। तो ये देखो मेरी बनाई हुई तीन राखी और बाकी जो है वो पहले से घर में थी। और ये है हमारी मिठाई। लॉकडाउन के लिए बाहर से मिठाई नहीं ला पाई तो ये घर में थे। मिठाई बना सकते थे लेकिन टाइम ही नहीं मिला तो नहीं बना पाई। मेरी राखी की डोर कभी हो ना कमजोर, भैया दे दो कलाई। छोटी सी रक्षाबंधन के प्रोग्राम आपको कैसे लगी? लॉकडाउन में और क्या है, मिठाई भी नहीं मिली तो जो भी है एंजॉय बहुत किए हैं। तो हमारे ये रक्षाबंधन के छोटी सी प्रोग्राम आपको कैसे लगी कमेंट करके बता दीजिएगा। और जब ये प्रोग्राम चल रही थी तो तब लाइट चल गई थी तो वीडियोस ज़्यादा अच्छी नहीं आई। तो प्लीज़ आप लोग
एडजस्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। गुड नाइट, सी यू, बाय बाय।